दोस्तों अपना चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। एक संजीव राखी यूट्यूबर ने मेरे से सवाल पूछा था, अभी गर्मियों में पौधों को लू से कैसे बचाएं। उसके आंसर दो पार्ट में दूंगा, एक पार्ट आज दे रहा हूँ, दूसरे पार्ट का आंसर मैं बाद में दूंगा। अगर आपको गर्मियों में बाहर जाना है तो पौधों को कैसे बचाएं, लेकिन इस पार्ट में तो ये देख रहा हूँ आपने अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करना है, ये देखते हैं। जैसे बड़ा पॉट है तो उसमें एक ऐसा जो भी आप पे वेस्ट का मटेरियल पड़ा हो उसमें पानी रख के रखते, ताकि पौधे को लू से थोड़ी बहुत राहत मिलती रहे। दूसरा क्या, वाटरिंग का भी इफेक्ट कम होगा क्योंकि लू बहुत है, और सेम में अगर आप ग्रीन नेट लगा ले फिर तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये टेम्परेचर आप देख सकते हो। दूसरा काम, ऐसे ही मैंने यहाँ हर जगह पर जहाँ मेरे को सूटेबल जो सामान मिला, ये देखो आप नीचे ग्रीन पानी, ये बड़े पॉट थे देखो, एक पॉट में फिर यहाँ पानी रख दिया, फिर यहाँ थोड़ा बड़ा रख दिया। ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है, आइए आगे भी दिखाता हूँ आपको। पानी और इसी प्रकार देखो यहाँ ये येलो बर्तन आपको नजर आ रहा होगा, तो इसमें भी पानी है। नीचे से आपको दिखा देता हूँ, और आगे भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ भी छोटा है बर्तन था पानी, ये ऊपर फिर पानी ये पानी, और ये देखो पानी कौन है नीचे होगा, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये फिर, ये देखो ये फिर पानी दो मग। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा इन पानी से आपने क्या किया। देखो पानी डालना एक कला है, पानी से एक तो पौधे में लू जब भी पड़ती है, देखो अभी आपको पता कि मैंने ग्रीन शेड नहीं लगा रखा, अगर ग्रीन शेड लगा रखे तो पौधा फिर भी आपकी लू की तपस से बच सकता, लेकिन आप ग्रीन नेट नहीं लगाने सकते तो आप ऐसे छोटे छोटे जो आपका वेस्ट का सामान घर पे पड़ा हो उसी में पानी भर के रख दे, क्योंकि पानी से लू में हल्का हल्का बचाव पौधों को होगा, और वाटरिंग तो अपने पौधों को ही करनी है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा पौधों से वाटरिंग करने का, अगर आपने गर्मियों में कहीं बाहर जाना है तो पौधे को कैसे पानी देकर जाएगी, आपका पौधा 2-3 दिन अगर आप बाहर हो पानी दिए बिना सर्वाइव कर जाए, क्योंकि गर्मियों में छुट्टी भी होती है, हर एक को अपने काम से घूमने के लिए बाहर जाना होता है, तो उसके लिए भी एक तो काम आपने यही करना है। तो अगली वीडियो में बताऊंगा उसको कैसे किया जाना है, तो वो वीडियो आप भी जरूर देखना। और इसी प्रकार मेरा एक पौधा और दिखाता हूँ, देखो ऐसा नहीं, यही इस पानी के दो महत्व है, एक तो ये आपके पौधों को लू से बचाएगा, दूसरा पशु पक्षी यानी पक्षी और जो गिलहरी टाइप में जो भी होते हैं तो उनको पानी की समस्या नहीं रहती है। देखो यहाँ भी मैंने अपने कितने पौधे लगा रखे हैं और उनके बीच में एक पानी का भर दिया, और इनको मैं जब भी इस पौधों में पानी देता हूँ तो मतलब पानी डाल देता हूँ ताकि वो पी भी सके और पौधे को ये लू से बचा भी सके। तो इस प्रकार आप अपने पौधे को वाटरिंग करें, वाटरिंग के साथ साइड में पानी भी रखें ताकि लू से उनको थोड़ी राहत भी मिले, कि वाटरिंग तो पौधे के अंदर है, बाहर का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है, तो ये पानी बाहर का टेम्परेचर भी करेंगे, पौधों के हल्की हल्की नमी देंगे तो पौधा खराब नहीं होगा। तो वीडियो अगर आपको ये यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले, और अगले पार्ट का वेट करें, उसमें बताऊंगा अगर आपको छुट्टियों में घर से बाहर जाना है तो अपने पौधे को बिना एक ही दिन पानी दे के 3-4 दिन तक कैसे सर्वाइकल कर सके, ताकि आप बाहर आराम से टूर भी कर आए और आपके पौधे को भी नुकसान ना हो, तो उसका भी आप इंतजार करना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गार्डनिंग।